नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं करियर बाबा जी, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल डिफेंस की रैंक के बारे में। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको सिविल डिफेंस की रैंक के बारे में, इसलिए अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, आपको यहाँ पे जो रैंक दिख रही है, सबसे पहले मैं आपको जूम करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा जूम इन करके देखिए, सबसे पहली रैंक जिसमें कोई भी ना तो कोई पट्टी लगी हुई है, ना ही कोई स्टार यानी कि फूल बना हुआ है, वो रैंक होती है MHFP की, यानी कि मेंबर ऑफ हाउस फायर पार्टी। इसको HFP ब्रैकेट में MB कहते हैं और MHFP भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। आप सबसे पहले बनेंगे HFP मेंबर अगर आप सिविल डिफेंस पर ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि आप बेसिक ट्रेनिंग कर लेते हैं और आपके पास आइडेंटिटी कार्ड आ जाता है। आपके आइडेंटिटी कार्ड में भी आपकी रैंक लिखी हुई होती है, जो कि HFP ही लिखी हुई आएगी। अगर आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपकी जो रैंक आएगी वो आएगी सेक्टर वार्डन की। अगर आप ये रैंक के बारे में जानते हैं कि ये सारी रैंक क्या क्या होती है, आप खुद ही पढ़ सकते हैं रैंक इसमें क्या है। देखिए यहाँ पे सेक्टर वार्डन, डिप्टी पोस्ट वार्डन, डिप्टी डिविजनल वार्डन, ये सारी रैंक है। इस रैंक के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि ये रैंक क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आपको रैंक मिलेगी कैसे। देखिए, काफी आसान तरीका है सिविल डिफेंस में रैंक पाने का। कोई आप इनको देख के ऐसा मत समझिए कि बहुत मुश्किल से मिलेगी और बहुत मेहनत लगती है इस रैंक को पाने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी आसानी से मिल जाएगी, बस थोड़ा सा आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी सी मेहनत। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी FAQ पे, यानी कि आप फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो थे आपके, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप किस तरह से परमानेंट ड्यूटी, यानी कि जो परमानेंट की ड्यूटी का मेरा मतलब है, या पेड ड्यूटी आप किस तरह से कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने आपको ये बताया था कि आपको निष्काम ड्यूटीज वगैरह करनी पड़ेगी, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और वैसे ही अगर आपको रैंक चाहिए तो भी आपको निष्काम ड्यूटी पे फोकस करना है। निष्काम ड्यूटी के साथ साथ आप मस्टिंग में एक्टिव होने चाहिए। इन दोनों पे ही मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि ये जो है मस्टिंग क्या होती है और निष्काम ड्यूटी आपको किस तरह से मिलेगी और किस तरह से मिलती है, और निष्काम ड्यूटी क्या होती है और पेड ड्यूटी क्या होती है, इन सब पे ही मैंने वीडियो बना रखी है। FAQ में जाके देख सकते हैं। एक तो मस्टिंग की इकलौती वीडियो है, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो आपको मस्टिंग पे फोकस करना है, आपको निष्काम ड्यूटी पे फोकस करना है। कभी भी कहीं कोई मॉक ड्रिल वगैरह होती है तो भी आप वहां पे अगर एक्टिव रहेंगे, बेसिकली अगर आप सिविल डिफेंस में एक्टिव रहते हैं तो आपको रैंक मिलने में काफी आसानी होगी। अब आगे का प्रोसीजर बनाता हूं। मान लीजिए आप पूरे 1 साल तक एक्टिव रहते हैं इस सिविल डिफेंस के अंदर में, ठीक है। आप सिविल डिफेंस में एक्टिव रहे पूरे 1 साल या फिर जितने भी साल, उसके बाद कभी कभी सिविल डिफेंस के अंदर बोलते हैं कि जिसको भी रैंक के लिए फाइल जमा करनी है, फाइल जमा करना चाहते हैं वो लोग, वो इस सेक्टर वार्डन के लिए बताया जाता है। जैसे कि सबसे पहली रैंक होती है सेक्टर वार्डन, तो HFP मेंबर को बहुत को फोर्स किया जाता है कि आप भैया सेक्टर वार्डन बन जाइए, सेक्टर वार्डन बन जाइए। तो ऐसे ही उनको एक फाइल जमा करनी पड़ती है। फाइल में उनको पूरा उनका बायो डाटा कि उन्होंने क्या क्या चीजें कर रखी है सिविल डिफेंस में, क्या क्या चीजें कर रखी है, अगर कोई वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल में या कॉलेजेस में वो NCC में एक्टिव थे या फिर डिबेट वगैरह करते थे, तो मतलब जो भी उनकी काबिलियत बताता है वो उनको अपनी फाइल में जोड़ के ये सारी फाइलें, फाइल के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने डिविजनल वार्डन, यानी कि जो आपके ये वाले वार्डन होते हैं, ये डिविजनल लेवल के ये वाले वार्डन, इनके पास आपको जमा कर देनी है वो वाली फाइल। फाइल जमा करने के बाद ये फाइल जाएगी आगे, और आगे से आपको रैंक मिल जाएगी कि आपकी ये रैंक बन गई है, आपको ये रैंक मिल गई है। बहुत आसान प्रोसीजर है, दोबारा से सही से समझा देता हूँ। आपको क्या करना है, एक्टिव रहना है, कभी कभी निकलेगी रैंक, यानी कि जो जो रैंक के लिए भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए कि भाई मुझे रैंक मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सबको रैंक मिल जाएगी जो जो फॉर्म भरेगा, क्योंकि बहुत से लोग तो फॉर्म भरते ही नहीं है। मैंने ऐसा तक देखा है कि सिविल डिफेंस में कि डिविजनल वार्डन फोर्स कर रहे हैं कि अरे रैंक के लिए भर दो, देख लो सही रहता है, अच्छा रहता है, लेकिन वो लोग फॉर्म नहीं भरते, यानी कि एप्लीकेशन ही नहीं देते, अपना डॉक्यूमेंट अटैच करके फाइल ही नहीं देते। और जो जो फाइल देते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे बहुत कम आते हो मस्टिंग में, लेकिन फिर भी उनको रैंक मिल जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे निष्काम सेवा ड्यूटी में गए होते हैं और बहुत सारे
सर्टिफिकेशन होते हैं उनके पास। तो ये काफी अच्छा तरीका है सिविल डिफेंस में रैंक पाने का। अब थोड़ा रैंक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके बाद सेक्टर वार्डन, सेक्टर वार्डन में कोई आपके स्टार नहीं होते, ना ही कोई फूल वगैरह होता है, इसमें तीन पट्टियां लगी होती है आपके कंधों पे। उसके बाद आपको एक रैंक मिलती है आगे जो कहते हैं डिप्टी पोस्ट वार्डन, जिसमें आपको एक फूल होता है। आप खुद देख सकते हैं इसके अंदर पोस्ट वार्डन के अंदर दो और डिप्टी डिविजनल वार्डन के अंदर तीन। इसके बाद डिप्टी डिविजनल वार्डन के बगल में जो डिप्टी लेडी वार्डन लिखा हुआ है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि जो लेडीज होती हैं यानी कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को डिप्टी डिविजनल वार्डन नहीं कहा जाता, उनको डिप्टी लेडी वार्डन कहा जाता है। बस इतनी सी बात होती है महिलाओं और पुरुषों की तुलना में, जहां जो बात की गई है। देखिए यहाँ पे डिविजनल वार्डन और लेडी डिविजनल वार्डन की बात की गई है कि जैसे कि आपने मैंने बता दिया कि जो मेल होंगे वो डिविजनल वार्डन बनेंगे, जो फीमेल्स होंगी वो लेडी वार्डन बनेगी, और वैसे ही चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, फिर चीफ वार्डन और सीनियर चीफ वार्डन, यही पोस्ट होती है, यही रैंक होती है सिविल डिफेंस के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा।